नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए और उनको जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा लगातार विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, कभी महिला डेस्क के माध्यम से और कभी अन्य तरीकों से। इसी कड़ी में आज शासन के निर्देशानुसार बांदा जनपद में महिला सशक्तिकरण के लिए नया कदम उठाया गया है, जहाँ शहर की मर्दन नाका मोहल्ले के प्रथा रुपौलिया को एक दिन का शहर कोतवाल बनाया गया है, जिसमें आज के दिन युवती ने केवल शहर कोतवाल की गाड़ी में भ्रमण करेंगी बल्कि कोतवाल में आने वाले सभी समस्याओं का निस्तारण भी करेंगी। एक दिन की कोतवाल बनी युवती ने कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव होगा, मुझे जो एक दिन का चार्ज दिया गया है उसे मैं पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगी। ब्यूरो चीफ गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। आप कहाँ की निवासी हैं? आपको एक दिन का यहाँ का चार्ज लेकर कैसा महसूस हो रहा है? अभी आप आगे के कार्य किस तरीके करने वाली हैं? किस तरीके की समस्या का आप समाधान करेंगे? कोतवाली में पहल चालू की गई है। कोतवाली में जो है पब्लिक से किसी महिला बुलाकर आज जो है 4-5 घंटे के लिए उनको जो प्रभारी निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर थाने के कार्यों में भारत जो जानकारी उनको दी जाएगी और साथ ही उनको सरकारी गाड़ी से चिकित्सक का भ्रमण कराया जाएगा। जो यहाँ पे पीड़ित आता है जी, ये भी बताया जाएगा, ये भी उनके द्वारा कराया जाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान इनके जरिए कराया जाएगा, उनकी पीड़ित की समस्या की सुनवाई करके उनकी समस्याओं का समाधान उन्हीं के द्वारा कराया जाएगा।